अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काउल नेक डिज़ाइन। इसके लिए मैंने ये सिल्क का फैब्रिक लिया है, 2.5 मीटर का कपड़ा है ये कमीज़ का, और ये शर्ट फैब्रिक है। इसमें मैं स्मॉल साइज़ का जो है फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी शर्ट भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो है आप इसमें शेप दे सकते हैं। सिंपल शर्ट भी बना सकते हैं काउल नेक के साथ, आप चाहें तो ए लाइन कमीज़ भी बना सकते हैं और मेरी तरह फ्रॉक भी बना सकते हैं। इसकी कटिंग कमर तक जो है सेम ही होती है, आगे से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 42 इंच मेरे पास कपड़े का अर्ज़ है। अगर आपके पास कपड़े का अर्ज़ थोड़ा है तो आप इसमें कमीज़ भी बना सकते हैं। इसको मैंने ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है और आयरन कर लिया है पूरे कपड़े को लंबाई के रूप में। ऊपर से मैंने 15 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से मैंने 15 इंच के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बाकी के कपड़े को मैं इस लाइन तक जो है फोल्ड कर दूंगी और इसको छोड़ दूंगी। एक तरफ 15 इंच छोड़ने के बाद, और अब मेरे पास टोटल लंबाई 36.5 इंच बन रही है। तैयार होने के बाद ये 2 इंच कम हो जाएगा और ये मेरे पास टोटल फ्रॉक की लंबाई होगी। इससे ज़्यादा लंबाई नहीं रख सकती थी कपड़े की वजह से, तो इतने कपड़े में इतनी ही लंबाई निकल रही है। अब बैक साइड के कपड़े को मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है। ये मैंने कमीज़ की ड्राफ्टिंग कर ली है। चेस्ट, कमर और हिप तक का निशान मैंने लगा लिया है। इससे आगे यहाँ पर आप या तो चौक बना लें कमीज़ के, या फिर यहाँ से आप इसको फ्रॉक की शेप दे लें, यह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो कमीज़ की काउल नेक में जो है असल में यहाँ तक ही जो है हमें चाहिए होती है मेजरमेंट, इसके बाद आगे जो है आप अपनी मर्ज़ी से शेप देते हैं। तो ये स्मॉल साइज़ में मैंने ड्राफ्टिंग करके रख ली है। इसमें ये सिलाई का मार्जिन भी शामिल है, ये बात आपने याद रखनी है कि सिलाई का मार्जिन आपने रखना है और उसके बाद आपने इस पेपर पर इसको कटिंग कर लेना है। ये मैंने कमीज़ की बैक साइड बिछा ली है। इसके ऊपर ये जो ड्राफ्टिंग मैंने करके रखी थी, ये रख कर हम कमीज़ के लिए ड्राफ्ट बना लेंगे। ये साइड इसकी ओपन है, याद रहे हमने ड्राफ्टिंग बंद साइड वाली तरफ से करनी है। आगे से मैं इसको फ्रॉक की शेप दे दूंगी क्योंकि मुझे ये सारा घेरा चाहिए। कमर से मैं इसको आगे से लूज फिटिंग दे दूंगी। कटिंग इसकी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी, जैसे हम नॉर्मल कमीज़ या फ्रॉक की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगी। और ये जो साइड से कपड़ा बचेगा इसमें से हम बाजू बना लेंगे। ढाई इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ गले के लिए। यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया और यहाँ से भी मैंने 2.5 इंच लिया। अब इसको मैं यहाँ पे राउंड शेप दे दूँ। ये जो इसकी साइड से कपड़ा निकला है इसको ऐसे डबल करके रखेंगे। सीधे पार्ट के साथ सीधा पार्ट मिलाकर ऐसे यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा दूंगी एक पैर की। ठीक है, और ये फिर ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। अब कमीज़ के अगले हिस्से की हम कटिंग करने लगे हैं। इसके लिए मैंने इसको बिछा के रख लिया है और बैक साइड से इसको 15 इंच बड़ा रखा था। अब बात आती है चौड़ाई की। ये जो चौड़ाई है ये मैंने आम कमीज़ की जितनी चौड़ाई नहीं ली, ये मैंने फ्रॉक के मुताबिक जो है चौड़ाई ली है। 42 इंच चौड़ा कपड़ा है जिसे मैंने डबल करके रखा हुआ है, जबकि कमीज़ की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो पहले हम ऊपर से इसकी चौड़ाई निकालेंगे कमीज़ के मुताबिक, और नीचे से जो इसकी चौड़ाई है वो फ्रॉक के मुताबिक ही रहनी चाहिए। जस्ट जहाँ पर कमर आती है, ये देखें यहाँ से जो है तीरा कटेगा, यहाँ से कमर तक जो है कमर तक हम कमीज़ की जितनी चौड़ाई निकालेंगे ऊपर से कमर के निशान तक। कमीज़ का जो पैटर्न है मैंने तैयार करके रखा हुआ है, जैसे कि हिप का यहाँ पे निशान है, यहाँ से मैं इसको 2 इंच बढ़ा के रखूँगी। मैंने
फ्रॉक बना रही हूँ तो इसलिए ये वाला स्टेप इसमें शामिल हो रहा है, लेकिन अगर आप कमीज़ बना रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपने कपड़ा ही इतना निकाला होगा कमीज़ के लिए। बस अब आप ये देख लें कि ये जितनी चौड़ाई थी हिप की, यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है। जैसे आप कमीज़ का दामन 2 इंच बढ़ा के लेते हैं, जैसे ये कमीज़ का दामन है, इसको डबल करने के बाद आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं ना फोल्ड करने के लिए, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने इस तरह लेना है और आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो मोड़ने के लिए लेते हैं वो यहाँ पर मैंने ये 2 इंच लिया है, दामन जितनी चौड़ाई और उसके बाद 2 इंच का कपड़ा। अब यहाँ पर इसका कमर का निशान आ रहा है तो इस कमर तक मुझे इतनी ही चौड़ाई चाहिए, 12.5 इंच। ऊपर से भी हमने इसी तरीके से चौड़ाई निकाल लेनी है। आपकी कमीज का जितना भी दामन होगा आपने उससे 2 इंच ज्यादा चौड़ाई जो है निकाल लेनी है, जहां पे कमर आ रही है, कमर का निशान बनता है वहां तक, ऊपर से लेके जो 15 इंच एक्स्ट्रा काटा था वहां पे भी, और नीचे को आगे से मैं इसको फ्रॉक की शेप दे लूँगी। लेकिन अगर ये खाली कमीज़ होती तो बस इसी तरीके से सीधा रहता और ये फ्रॉक की शेप ना दे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये वही पैटर्न है जो हमने बैक साइड पे रखा था, इसको इस निशान पे रखेंगे, ये जो 15 इंच की लाइन है यहाँ से एग्जैक्ट ऐसे इस पॉइंट के ऊपर इस कंधे के निशान को मिला के ये फ्रंट आर्म होल के लिए निशान है। और यहाँ से अब चेस्ट से लेके कमर तक मैं कमर तक निशान लगाने के बाद इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। कमर तक हमने शेप दे ली थी, अब इसके बाद यहाँ से हम इसको फ्रॉक की शेप दे लेंगे। अब ये फ्रंट आर्म होल है तो इसको मैं आगे से थोड़ा सा डीप करूंगी। यहां से 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूं। अब यहाँ से इसको मैं जो मैंने पिछले हिस्से की गुलाई की थी उसी के ऊपर उसी के मुताबिक मैं बैक साइड की भी गुलाई करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको नीचे से बिल्कुल बराबर कर लिया है और ऊपर से आप जो है देखें कि बैक से फ्रंट वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा खुला है, ये इसी तरीके से स्टिच होता है, कमर तक जो है ये थोड़ा सा खुला है और आगे हिप से जो है बिल्कुल ये बराबर है और कंधे से ऊपर ये 15 इंच ज़्यादा है। ये कुछ लोग 13 इंच भी लेते हैं, कुछ लोग 11 इंच भी लेते हैं। जब हम इसके फॉल बनाएंगे गले के उस वक्त हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने गले के साइज़ के मुताबिक, अगर हमें बड़ा लगेगा तो हम इसको अपने साइज़ के मुताबिक सेट कर लेंगे, इसलिए इसको मैंने 15 इंच ज़्यादा रखा है ताकि कम ना पड़े। अब जितना गला मैंने शर्ट पे काटा है बैक साइड पे उतना ही मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अब बचे हुए कपड़े से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। मैं इसकी हाफ स्लीव्स बना रही हूँ। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक नेक बनाएंगे।
ये पिछले गले पे मैंने कपड़ा लगा लिया है, ये अंदर की तरफ ऐसे टर्न हो जाएगा। ये कमीज का फ्रंट साइड है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे, इसको बारीक बारीक हम ऐसे फोल्ड कर देंगे सीधा। पहले हम पैटर्न को बिछा लेंगे, ऐसे हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस पॉइंट को यहाँ पे इसके एज पे रखेंगे और ये जो दूसरा पॉइंट है ये इस तरीके से यहाँ पे एज पे आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने गले की शेप देखनी है कि हमारा गला कितना डीप होना चाहिए, उसके मुताबिक ही हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमने इसको यहाँ से कितना ऊपर लेके जाना है। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ तो ये गला बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना है ताकि इसकी डीपनेस कम हो। और जितना मैं एक तरफ से ऊपर करूँगी उतना ही मुझे दूसरी तरफ से भी ऊपर करना है। तो यहाँ पर पहले हम अपने गले की डीपनेस के मुताबिक इसको सेट कर लेंगे और अंदाज़ा कर लेंगे कि हमें इसे कटिंग से कितना ऊपर लेके जाना है। एक बार ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद हम बाकी की इसमें फॉल डाल लेंगे। यहाँ से ये जो कंधे की कटिंग है इससे मैं इतना ऊपर करके रख रही हूँ, तब जाके मेरे लिए ये गले की सेटिंग सही बैठ रही है। तो यहाँ पर मैं इसको पिन लगा दूंगी। अभी यहाँ से हम इसको सेट नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो जब हम यहाँ पर पिन लगाएंगे तो हम इतना ही फासला रख के इसको पिन अप करेंगे। एक पहली पिन मैंने यहाँ पर लगा दी है, दूसरी पिन मैंने यहाँ लगा दी है। अब ये जो बाकी का कपड़ा है इसको हमने प्लेट्स डालकर पूरा करना है। और ये भी ध्यान में रहे कि ये जो निशान है, जो ये जो 15 इंच की हमने लाइन लगाई थी जहाँ से आर्म होल स्टार्ट हो रहा है, ये इससे मैच होना चाहिए। अब हम इसे दूसरी तरफ सेट कर लेते हैं। जितना हमने यहां पर ऊपर रखा है कपड़ा निकाल के, इतना ही हमने दूसरी तरफ से भी रखना है। ये देखें, बस इस तरीके से मैंने इसको सेट करके इसकी सारी जो है फॉल बना ली है। अब आप ये देखें, इसको अगर मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाऊं, ऐसे ही इसकी शेप आएगी। और ये जो एक्स्ट्रा है देखें आप, यहाँ से आप देखेंगे इसको हम बाद में काट देंगे, पहले यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जो है पक्का हो जाए। प्लेट्स का ध्यान रखना है, सिलाई लगाते हुए इधर उधर ऐसे ना हो जाए, बिल्कुल जिस रुख में इनको बिठाया है उसी रुख में लगनी चाहिए सिलाई।
पैटर्न को अलग करने के बाद देखें इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ रही है। और ये अब ऐसे जो है ये इसके शोल्डर्स हैं और ये इसका आर्म होल है। तो अब मैं इसके शोल्डर्स जो हैं वो बैक साइड के साथ अटैच करूंगी। ऐसे इसको जो बैक साइड का जो गले का कपड़ा है इसको इसके ऊपर रख के फ्रंट साइड के कंधे पे इसे हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। अब इसकी नेक बिल्कुल तैयार है। बैक साइड पे ये जो है इसको मैं तरपाई कर लूँगी। बाकी की जो इसकी स्टिचिंग है बिल्कुल नॉर्मल कमीज की जो स्टिचिंग होती है उसी तरीके से होगी। बस इस तरीके से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दूसरी तरफ भी। इसके बाजू मैंने अटैच कर दी थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जब हम कमीज की बाजू अटैच करते हैं उसी तरीके से बाजू अटैच होंगी। अब आप ये देखिए गला बन के बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने ऐसे फ्रॉक की लुक दी है। ये इसकी बैक साइड है। अगर आप इसे खींच के ऐसे रखें तो ये जो बैक साइड है ये फ्रंट साइड इससे जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसका स्टाइल ही ऐसा है, आगे की तरफ ये इस तरीके से रहती है और ये लूज सा लुक देता है आगे। ये ऐसे इसकी बाजू अटैच हो गई है इसके साथ। आप चाहें तो स्लीवलेस भी रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।